शाम में आम सपने सेवा करूंगा तो शाम में किसकी सेवा करूंगा। चलिए रखो, कुछ जरूरी सामान है, टूट जाएगा भाई साहब। का साहेब, इमे गोला बारूद रखी है का? बड़ा गरीब है साहेब, करिया तो टूट गए किया बतावत। ये बताओ तुम्हारा पैसा कितना हुआ? साहब मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। पैसा कम न लू सरकार कि पैसा कम न लू सरकार चाहिए मुझको ये साहब पूरा पैसा दीजिए न व्यर्थ में कर मुझसे तकरार न व्यर्थ में कर मुझसे तकरार चाहिए मुझको ये सरकार हमारी सब मजदूरी होती है 1,000 रुपए थोड़े से काम के लिए 1,000 रुपए तुम्हें दूं 200 रुपए से ज्यादा नहीं होता है सुनो मेरे कल्लू बाबा, कल्लू बाबा की तरफ से 10वें पुरस्कार हमारी पार्टी सलाम सलाम करती है। अरे साहब 213 रुपए सरकारी मजदूरी है नरेगा की। अरे साहब मैं आपका सामान अपने सर पर सहारा का ढो रहा हूँ तो साहब 200 रुपए 1,000 रुपए दे दो, हमारा आपका हिसाब बराबर। देखिए इतने काम के लिए इतना पैसा नहीं होता है। आजकल लोग दिन भर काम करते हैं तो 400 रुपए पाते हैं। मैं तुम्हें 200 रुपए दे रहा हूँ, कोई गलत नहीं दे रहा हूँ। अरे फौजी
याद रख किसके सामने खड़ा है, किससे बात कर रहा है। मैं जितना कहता हूँ पैसा दे, यहाँ से दफा हो जा। तो है कौन जो इतने टाइट होके बात कर रहा है? बोल। वैसे मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है, मैं पाकिस्तान के मशहूर आतंकवादी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। तो ऐसा तुमसे पैसा लेने एक बहाना था, आज सारे तरीक कहानी खत्म कर दू हरामखोर। अबे अशरफ खान, तू क्या मारेगा जवानों को? तेरी इसी में भलाई है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शेर नहीं जो अशरफ खान को मार दे। याद रखो, कहे खोपड़िया साले खराब कर दिया तो ऐसे गोलियां चपवा के पीछा घाव हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में ताके साले ऊंची आवाज करता है, तो यहाँ से चला जा, तेरी सीमें भलाई है, नहीं तो कुत्ते जैसा मार खाएगा साले। छोटी मुंह बड़ी बात कुत्ते साले, हिंदुस्तान को शमशान घाट नहीं बना दूंगा तो तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं यहां से भाग जाता हूँ। धर्मेंद्र हुआ कहाँ है बे, कहाँ मर गया साले? तुम लोगों की ड्यूटी यहाँ पर है, कुछ देख रहे हो क्या? बात है सामने कुछ लोग इकट्ठा हुए बे। धर्मेंद्र क्या बात है? हम नंबर दो पे काफी आदमी एकत्रित हुए साहब, लग रहा है कोई न कोई कांड हो गया है। चलो चल कर देखते हैं क्या बात है, किस लिए वहाँ लोगों को उठाओ। कुत्ता वाले साले ट्रेन पे बैठ बैठ के जीना मुश्किल। चलो चलो चलो। हमारे देश के हालात को देख क्या हुआ, ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं कि यहाँ खड़े होकर के तमाशा देख रहे। एक फौजी देश के लिए शहीद हो गया और यहाँ चौकीदार। मैं देखता हूं अगर इनके पास कोई आईडी कार्ड होता है तो हम लोगों का कर्तव्य होता है कि हम इनके घर तक इनकी बाड़ी को सही सलामत तक पहुंचाएं। चलो मैं देखता हूं कौन है, कहां के रहने वाले। फौजी कोई दूसरे नहीं बल्कि मेरी भाभी के भैया है और इनका नाम कमलेश। मैं अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा, किस जुबान से कहूंगा कि अब तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी लाश को उठाओ, सबसे पहले आर्मी हेडक्वार्टर फोन करेंगे, वहां से मदद लेकर इनकी लाश उनके घर तक पहुंचे।
मेरा देवर मुझसे कह के गया था कि भाभी माँ मैं चाहे जा रहूंगा राखी के दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें लिवा के तुम्हारे भैया के घर चलूंगा। अभी तक न जाने क्यों मेरा देवर आया नहीं। हे भगवान मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी भाभी मेरी आने की राह देख रही है, लेकिन किस जुबान से कहूँ कि अब तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे सहारा दो मालिक, इतनी ताकत मुझ में दो कि ये बात को मैं अपनी भाभी से बता सकूं। पर बात देख कौन आया है, देख देख तेरे देवर उपकार आया है। तू अपने भैया के घर रामपुर जाना चाहती थी ना, अब तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो भाभी, तुझे रामपुर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भैया कमले आज मेरे साथ आई हुई है। भाभी अपने भैया से मुलाकात करना चाहती हो ना? देखो भाभी सुन करे
साहबी, जब तुम अच्छी रोती रहोगी तो हम तुम्हारे भैया का अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे। और भाभी मैं क्या देख रहा हूँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या मेरी बहन बंधना मेरे दरवाजे पर नहीं आई? कहाँ है मेरी गुड़िया? देवर, जब से अपनी बंधनाई घर से गई है तब से उसका कुछ पता नहीं है, ना जाने मेरी बंधना कैसी होगी, किस हाल में होगी। आगे आप हमारे रामापाल जी जो की ग्राम सभा चका की धरती से अभी अभी 11 रुपए का पुरस्कार है, बार बार नमन है। ये तेरा देवर आज छुट्टी पर नहीं आया है और तुम्हारे भैया का अंतिम संस्कार करवाने के बाद ड्यूटी वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे भैया का अंतिम संस्कार करने के बाद सबसे पहले बहन के दरवाजे जाऊंगा, बहन से मुलाकात करने के बाद अपने हाथों में राखी बनवा कर मैं ड्यूटी वापस चला जाऊंगा, तो अपना ख्याल रखना भाभी। ये आगे हमारे अमृतलाल प्रजापति जी उर्फ हमारे कबाड़ी भैया 21 रुपए का पुरस्कार, बार बार नमन मां। का मकान यही है? जी हाँ, उन्हीं का मकान है, लेकिन क्या बात है? आपका नाम रेखा है? रेखा बहन, मैं कुछ कहना चाहता, मेरी बात सुनो। शिक आया पहले तुम्हारे मां और यूपी की सरकार ने भेजी है तुमको ई। रेखा बहन, 5 लाख का चेक आया बहन तुम्हारे नाम और यूपी की सरकार ने भेजी है तुमको इनाम। रेखा बहन मेरे साथ चलो, मैं आपका पूरा पूरा पैसा दिला दूंगा। लेकिन भैया मेरी बात सुनिए, कहाँ भजेगा चे
उसको तो भैया आप कह रहे हैं कि आपके नाम से 5 लाख का चेक आया हुआ है, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। कृपा करके चलिए मेरे चेक को तुड़वा दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा भैया। रेखा बहन मेरे साथ चलो, मैं आपको पूरा पूरा पैसा दिला दूंगा। भैया आप तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चेक तोड़वाने के लिए चल रहा हूँ, लेकिन आप इतने घनघोर जंगल में, मैं कुछ समझ नहीं पाई भैया। अरे रखवा, चाहे सच चेक करे कौन सच चेक मेरी बात सुन। रेखा कहना ले तू मान, रेखा कहना